किसी भी तरह का लाठी नहीं चलाया गया है, आप उसकी जानकारी पूरा ले लीजिए। बीजेपी के लोगों को कुछ ना कुछ बोलना रहता है, वो बोलते रहते हैं, और जब कोई प्रदर्शन होता है तो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, कुछ कड़ाई करनी पड़ती है। बोलना चाहिए ना कि आंगनवाड़ी सेविका को वहाँ से जो केंद्र से पैसा दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, और वो लोग अगर बढ़ोतरी करेंगे तो उस बिहाफ में जो बढ़ोतरी राज्य को करना है वो भी करेगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, बीजेपी के तमाम विधायक जोरदार तरीके से प्रदर्शन और हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं पर लाठी चलवा रहे हैं, सेविकाओं पर जिस तरीके से लाठी चलाई गई, कैसे देख रहे हैं जयंत राज जी? बीजेपी भी हंगामा कर रही है। देखिए, किसी भी तरह का लाठी नहीं चलाया गया है, आप उसकी जानकारी पूरा ले लीजिए। बीजेपी के लोगों को कुछ ना कुछ बोलना रहता है, वो बोलते रहते हैं। जयंत जी, हमने तस्वीरें दिखाई, लाठी चार्ज हुआ नहीं, लाठी चार्ज नहीं हुआ है, पानी का से ये किया गया है। और जब कोई प्रदर्शन होता है तो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, कुछ कड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जिस मुद्दे पे उन लोगों का आंदोलन है तो उस आंदोलन पे बीजेपी के लोग यहाँ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जब भाजपा के अमित शाह जी आते हैं, गृह मंत्री आते हैं और लोग आते हैं, तब उसमें उन लोगों की बोली बंद हो जाती है। और वो लोग उस समय, बोलना चाहिए ना कि आंगनवाड़ी सेविका को वहाँ से जो केंद्र से पैसा दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, लेकिन वो तो करेंगे नहीं, राज्य तो अपना हिस्सा दे रहा है। और जो मान लीजिए कि राज्य अपना हिस्सा दे रहा है और वो लोग अगर बढ़ोतरी करेंगे तो उस बिहाफ में जो बढ़ोतरी राज्य को करना है वो भी करेगा। तो इन लोगों को सिर्फ नेतागिरी करना है, राजनीति करना है, किसी के लिए कुछ करना नहीं है। महिला की बात तो केवल ये लोग ढोकोसला करते हैं और कुछ नहीं। पर बीजेपी करिए घोटाले में लगे हुए हैं, भारी गड़बड़ी है, शिक्षक नियुक्ति हुई उसमें गड़बड़ी है, अभी सेविकाएं जो हैं वो सड़कों पर हैं, लाठियां चला रहे, सबका पूरे बंद करना चाह रहे हैं। पूरे देश में बिहार का पॉजिटिव माहौल बना है, शिक्षक का इतना बड़ा नियुक्ति हुआ है, पूरे देश में पॉजिटिव माहौल बना है, और ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बोलना है। अभी जिन लोगों को बहाली, जो लोग बहाल हुए हैं उनसे जाके पूछिए कि उनको उनकी दीपावली कैसी हो रही है, तो ये तो पूछना नहीं है, उन लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है। इस बार बिहार की जो दीपावली होगी बड़ी अच्छे तरीके से होगी, इतने लोगों को रोज़गार मिला है, और लोगों को रोज़गार मिलने की बात हो रही है, 10 लाख रोज़गार की बात और 10 लाख नौकरी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था और उस पर अमल हो रहा है। पर बीजेपी कह रही है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन भी नहीं पहुंचे, सुनना ही नहीं चाहते हैं जनता से जुड़े हुए सवालों। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी को तो अपना जब सदन आना होता है तो आते ही हैं, कैसा थोड़ी है, कल तो आए ही थे, आज भी हो सकता है कि जिस समय अवधि होगा उस पर आएंगे। तो आपने सुना मंत्री जयंत राज को स्पष्ट रूप से कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए बिहार सरकार काम कर रही है और काम करती रहेगी, सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे। देखिए, मंशा है बीजेपी की कि सदन ना चले, मगर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन आते हैं और आज भी वक्त निकाल कर वो सदन जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देना बेशक जानते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनसब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।